बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 95 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम नंबर 95 के अंदर कॉस 4t है। जिससे हम लोगों ने कॉस क्यूब टी को सॉल्व किया था तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हो गया था। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें हाफ एंगल फार्मूला पता लग जाएगा, कॉस स्क्वेयर टी और कॉस स्क्वेयर टी। फिर कॉस स्क्वेयर टी जो है 1 प्लस कॉस 2t के इक्वल है, और वहां से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम इसके सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए 0 से π/4 इसकी लिमिट है, हम इसको कॉस स्क्वेयर टी और फिर कॉस स्क्वेयर टी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, और डी टी। अब कॉस स्क्वेयर टी हमारे पास किसी चीज के इक्वल नहीं है, 2 कॉस स्क्वेयर टी होता तो हम 1 प्लस कॉस 2t लिख सकते हैं। अब इसको 2 कॉस स्क्वेयर टी बनाने के लिए हम 4 के साथ डिवाइड भी करा लेंगे और मल्टीप्लाई भी करा लेंगे। 4 इसलिए क्योंकि 2 इसको भी दे देंगे और 2 इसको भी दे देंगे, ठीक हो गया। तो हम मल्टीप्लाई भी करा लेंगे और डिवाइड भी करा लेंगे। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक हो गया, 2 cos square t, ठीक हो गया। यहां से हमारे पास dt आ जाएगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। अब इसकी जगह 2 cos square t की जगह 1 plus cos 2t वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/4 0 से π/4 इसकी इंटीग्रेशन, 2 cos square की जगह 1 plus cos 2t, 1 plus cos 2t, ठीक हो गया, dt। ये चीज आ गई। अब 1 प्लस कॉस टी और 1 प्लस कॉस 2t की वो बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने की वजह से इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो 1/4 बाहर एज इट इज 1/4, 0 से π/4 इसकी लिमिट, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2t की पावर 2 और dt। ये चीज आ गई। अब इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है, 1 प्लस कॉस 2t को हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इसके ऊपर फॉर्मूला खोल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1/4 0 से π/4, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t, कॉस स्क्वायर 2t, ठीक हो गया, प्लस 2 फॉर्मूले वाला कॉस 2t, ठीक हो गया। ये चीज आ गई, 2 कॉस 2t, ठीक हो गया, मतलब मेरे पास ये नोट्स में प्रूव हुआ है, ये चीज आ गई। अब हमारे पास इसके बाद इन सबके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, 1 की अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक हो गया, cos square 2t की अलग इंटीग्रेशन, cos square 2t की जगह तो हम लोग वापस ये वाली चीज पुट करेंगे ना, 1 plus cos 2t, ताकि वो मजीद मजीद आगे सिंप्लीफाई हो, वहां पे मेरे पास हुआ भी है, और इसी तरह फिर आगे आगे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग ये करेंगे कि 1/4 एज इट इज बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, यहां से इंटीग्रेशन 1 के ऊपर अलग 0 से π/4 ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos square 2t पे अलग, ठीक हो गया, dt, और प्लस 0 से π/4 और 2 cos 2t और dt। अब 2 cos 2t की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन आ जाएगी, साइन मतलब साइन 2t, और ये 2 भी है डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो cos की इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है वो हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी इंटीग्रेशन, 1/4 एज इट इज ब्रैकेट इसकी इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन x इसकी लिमिट 0 से π/4, ठीक हो गया, प्लस इसी तरह यहाँ पे cos square 2t का हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम इसका 0π/4 और यहाँ पे 2 डिवाइड भी करा लेंगे और 2 मल्टीप्लाई भी करा लेंगे इससे, ठीक हो गया। इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे दोबारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, cos square 2t है ना, अब इसका एंगल जो है 2t है तो 4t आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2t था, यहाँ पे सिर्फ t था, अब यहाँ पे 2t हो गया तो वहां पे 4t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4t। यही चीज हम समझाने वाली थी, ठीक हो गया। अब 2 cos square 2t और dt प्लस इसकी जगह इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट, तो साइन 2t डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास यहाँ पे साइन 4t क्यों लिखा, साइन 2t डिवाइडेड बाय 2, तो 2 sin 2t डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गया 0π/4, ठीक हो गया। अब हमारा मेन पर्पस जो रह गया ना वो सेंटर रह गया। अब यहां से समझो कि 2 cos square 2t की जगह मैं लिख रहा हूं 1 plus cos 4t, ठीक हो गया। अब यहां के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1/4 ब्रैकेट, ठीक हो गया, एक्स ये वैसे पुट करना था, अगले स्टेप में कर लेते, 0π/4 प्लस 1/2, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/4 ब्रैकेट 1 plus cos 4t dt, ठीक हो गया, प्लस 2 कट गया तो साइन 2t और यहां से 0π/4 और ब्रैकेट क्लोज। ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं, आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो जगह रिमूव कर लेता हूँ। यहां तक कहानी समझ आई, बस ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, एक ये वाली चीज याद रखनी पड़ेगी और एक हमें
ये वाली चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये दो चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा इसको मैं यहां से ना रिमूव कर, इसको आगे चला देता हूँ। यहां से हम आहिस्ता आहिस्ता लिमिट भी पुट करना शुरू करते हैं। ब्रैकेट 1 बाय 4 सबके साथ है, तो पाई बाय 4 माइनस 0 ये x में पुट किया, प्लस 1 बाय 2 यहां पे आ गया। अब हम लोग 0 से पाई बाय 4 1 dt, ठीक हो गया, प्लस 1 बाय 2 ये 1 बाय 2 आ गए, और 0 से पाई बाय 4 और cos 4t और dt, ठीक हो गया। मतलब ये 1 बाय 2 ये वाला पूरा सिचुएशन इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है, और प्लस साइन 2t भी, हम इसको थोड़ा सा इधर से भी प्लस, या इसको इधर लिख लेता हूं, प्लस साइन 2t 0 से पाई बाय 4 इसकी लिमिट आ, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई है? अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, आगे हमारे पास यहां से 1 बाय 4 एज इट इज ब्रैकेट, अच्छा यहां पे ब्रैकेट क्लोज है क्योंकि ये 1 बाय 4 है सब, तो पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 यहां पे x इसका इंटीग्रेशन, प्लस cos 4t 1 बाय 2 एज इट इज, और इसकी लिमिट 0 से पाई बाय 4 भी पुट करनी है 1 बाय 2, और ये cos 4t की लिमिट हो जाएगी sin 4t डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट, ठीक है, क्योंकि sin 4t जो इसकी डेरिवेटिव होती है वो नीचे लिख देते पाई बाय 4, और यहां पे sin साइन 2t के बजाय t हमारे पास पाई बाय 4 आ जाएगा माइनस साइन 0 साइन 20, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास 1 बाय 4 एज इट इज, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन चल अगले स्टेप में 1 बाय 4 पाई बाय 4 एज इट इज प्लस 1 बाय 2 यहाँ पे लिमिट पुट करो, तो पाई बाय x की जगह पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 और 0, ये इधर पुट किया, ये इधर पुट किया, प्लस अब यहां पे भी लिमिट पुट करो 1 बाय 2 साइन 4 टी की जगह पाई बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 4 टू 8, ये अगले स्टेप में कर लेते हैं। अब माइनस 1 बाय 2 साइन 4 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 4, और ये प्लस 2 2 2 2 2 4, तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 2 0 0 0, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी ना अब हर वैल्यू के अलग अलग हम लोगों ने इसी तरह वैल्यू निकाल लेनी है। 1 बाय 4 पाई बाय 4 एज इट इज प्लस पाई बाय 8 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 0 हो जाएगा, 1 बाय 8 की बजाय 1 बाय 8 लिखेंगे, माइनस 0 को ना लिखे तो बेहतर है, लेकिन ये प्लस है ना, यहाँ का प्लस, ये तो 0 हो गया, ठीक हो गया। साइन 4 और 4 कट जाएगा, तो साइन पाई और माइनस 1 बाय 8 साइन 0, ठीक हो गया, और इसके अगला स्टेप यहां पे करते हैं, ठीक है। जो जो होगा साथ साथ आप पीछे वीडियो पीछे किए जाए। 1 बाय 4 ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 8 साइन पाई की वैल्यू क्या है, साइन पाई हमारे पास इक्वल है 0 के, ठीक हो गया। साइन पाई हमारे पास यहां से साइन पाई हमारे पास इक्वल है 0 के, ठीक हो गया, और माइनस 1 बाय 8 दोबारा भी आ रहा है, माइनस 1 बाय 8 और ये भी 0 के इक्वल, ये भी साइन 0 भी 0 के इक्वल, और प्लस यहां से, सॉरी मैं मिस्टेक तो नहीं हुई, हाँ ये वाली दो चीजें मैंने छोड़ दी ना, ये लिखी है प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, तो साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल है, ठीक हो गया, प्लस 1 और माइनस 0, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद 1 बाय 4 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है, तो 1 बाय 4 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8 माइनस प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट, ठीक हो गया। तो ये हम प्रॉब्लम नंबर 95 को सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 96 है उसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो प्रॉब्लम नंबर 95 96 तक के लिए मोहम्मद फजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।